नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से दिखाते हैं। बंगाल के चुनावी मुकाबले का पहला राउंड शनिवार को है। इस राउंड के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। ऐसे में सही वक्त है कि बंगाल में होने वाले सियासी खेल के पहले राउंड के गणित को डीकोड किया जाए। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में 30 सीटें दांव पर हैं। इस आदिवासी बहुल इलाके में पिछले दो विधानसभा चुनाव में टीएमसी का दबदबा रहा, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए एक सरप्राइज लेकर आया। बीजेपी ने इस इलाके में टीएमसी के वोट बैंक के साथ खेला कर दिया। पहले फेज में किस तरह का खेला होने वाला, इसका जमीनी विश्लेषण आज हम करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा मायने क्यों रखता। अगर बीजेपी जीती तो उसे कौन सा बूस्टर मिलेगा, और अगर ममता सफल हुई तो जीत का विटामिन उनकी संभावनाओं को कितनी ऊंचाई देगा, यह सब हम आपको आज बताएंगे। इसके बाद आपको बांग्लादेश ले चलेंगे और बताएंगे कि बंगाल चुनाव में बांग्लादेश फैक्टर भी किस तरह अपना असर दिखाने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। कोरोना फैलने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। पिछली विदेश यात्रा उन्होंने 497 दिन पहले की थी। वहां बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह है, और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का यह 50वां वर्ष है। तो पीएम मोदी की इस यात्रा को गोल्डन जुबली कूटनीति के साथ साथ बंगाल चुनाव में मतुआ वोटों को साधने की वोट यात्रा के तौर पर भी देखा जाए। इस खबर का विश्लेषण एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की मदद से करेंगे। और आज पूरी दुनिया पर असर डालने वाली एक बड़ी खबर इजिप्ट की स्वेज नहर से आई है। सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाना आम बात होती है, लेकिन इन दिनों स्वेज नहर में 400 मीटर लंबे एक कंटेनर शिप के फंसने की वजह से जाम लगा, और इस जाम से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के व्यापार का 12% और तेल के व्यापार का 10% इसी रास्ते से होता है। जाम लगने की खबर फैलने के बाद से कच्चे तेल के दाम 5% तक बढ़ चुके हैं। इस नहर के इतिहास में कई युद्ध और डूबे हुए जहाज हैं। स्वेज नहर के ट्रैफिक जाम का यह विश्लेषण आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो बंगाल के चुनावी खेल का पहला राउंड शनिवार को है। आज हम पहले राउंड की चुनावी लड़ाई को डिकोड करेंगे। 5 जिलों की 30 सीटों पर शनिवार को वोट पड़ेंगे, और ये 5 जिले हैं बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर। ये आदिवासी बहुल इलाका है जहां पिछले दो विधानसभा चुनाव में टीएमसी का पूरा दबदबा रहा। पहले राउंड में जिन 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उन 30 सीटों में से 27 सीटें टीएमसी ने 2016 के चुनाव में जीत ली थी। तब टीएमसी को 50% वोट मिले थे, बीजेपी को लगभग 8.5% वोट मिले थे, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। हालांकि इस आंकड़े से किसी नतीजे पर पहुंचने पर आप धोखा खा सकते हैं। बंगाल को अब पिछले विधानसभा चुनाव के चश्मे से नहीं देखा जाता। 2019 के लोकसभा चुनाव ने बंगाल के समीकरण बदल दिए। जिस इलाके से बंगाल में चुनाव का पहला राउंड शुरू हो रहा है, उस इलाके की 6 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत ली थी। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं, जिससे आप इस इलाके के सियासी इक्वेशन को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस इलाके के 4 जिले बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 30 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़त पर थी, यानी उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इन्हीं 40 सीटों में से 33 सीटें टीएमसी ने 2016 के चुनाव में जीती थी। यानी जो इलाका कभी ममता बनर्जी का किला था, वो अब सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के राजनीतिक प्रभाव में है, और एक तरह से बीजेपी का किला बन गया। ममता बनर्जी ने इसीलिए इस इलाके में बहुत जोर लगाया है कि वो बीजेपी के पाले में गए वोटों को वापस अपनी तरफ खींच सके। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं, और दीदी 115 स्कैम लेकर कौमार लेकर आए हैं। ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। আরে দিদি, মালুম নেই হ্যায় আপকো, বঙ্গাল কা ছোটা বচ্চা ভি হর রোজ ফুটবল খেলতা হ্যায়, তেরে খেলা হোবে সে কোই নেই ডরতা। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হারতে জানে না, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিজেপি কে পুনর্মুশিকো ভব করবে। ये दमदार और दिलचस्प लड़ाई है उस जंगल महल की, जहां से बंगाल में वोटिंग का आगाज होगा, और जहां 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी को ऐसा झटका मिला था
कि देखते ही देखते बीजेपी उनकी कुर्सी का खतरा बन गई। जंगल महल का ये इलाका कभी लेफ्ट का किला था, ममता बनर्जी ने इसे लेफ्ट से छीना, 2011 और 2016 का चुनाव जीता, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इसे दीदी से छीन लिया। इस चुनाव में दीदी और बीजेपी की वही सीधी लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। हमारी दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देंगे। वोटर आगे 100 टका कमावे लोग देखने जन्नो, तारपर आवार 1000 टका बढ़ावे। একটা গ্যাস যদি বিনা পয়সায় চাল দেবো আর চালটা ফোটাতে 900 টাকা লাগবে, বুঝুন তাহলে কি হবে? আর বিজেপি ভোট পাবে? বলুন, গ্যাসের বদলে ক্যাশ চাই, গ্যাস হবে না, গ্যাস বিনা পয়সায় দিতে হবে। মমতা ব্যানার্জি পুরা জোর লাগা চুকি হ্যাঁ কি জঙ্গল মহল কাজ এলাকা সিয়াসী তোর পর বিজেপি কে প্রভাব মে আ চুকা হ্যাঁ ও ফির সে উনকে পাস লোট কর আ যায় আর বিজেপি পুরানি স্থিতি মে পৌঁছ যায়। পিছলে 2 হফতে সে মমতা ব্যানার্জি নে ইহা ব্যাক টু ব্যাক র্যালিয়া কি হ্যাঁ। पुरुलिया से ही व्हीलचेयर वाला प्रचार शुरू किया था और बीजेपी को घूम घूम कर खूब कोसा है। बीजेपी ने भी दबदबे को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं की बैक टू बैक रैलियां हुई हैं। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर लेकर आए। अब आपको तय करना है রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। এসা আক্রামক জবাব, এক গুহার আর এক কসম, বিজেপি কে সামনে মমতা ব্যানার্জি কে ইমোশনাল প্রচার কি রণনীতি রহি। गुहार ये कि लोकसभा चुनाव के जैसे इस बार तृणमूल से लोग दूर हों और जो भी गलतफहमी हुई इसके लिए वो खुद माफी मांगती है। दूसरी तरफ अपनी चोट दिखाकर वो ये कसम खा रही हैं कि कुछ लोगों ने सोचा था कि वो घर बैठ जाएंगी, लेकिन खेला होगा और वो हर हाल में लड़ेंगी। वन कैन फूल ऑल द पीपल वंस ए टाइम, बट वन कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। এটা মাথায় রাখবেন। এবং সেই জন্য আগামী দিন মা বোনেরা, আমি যাবার আগে বলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। এ দিদি যাহা যাহা ঘুমতি হ্যাঁ ওহা ডরাতি হ্যাঁ, নির্দোষ আদিবাসীয় কো ডরাতি হ্যাঁ। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। আরে দিদি ক্যা ডরাতি কহো মে, खेला होबे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। जंगल महल के इस इलाके में चुनावी खेल आदिवासियों का वोट है, इसे भी समझना जरूरी है। ये इलाका आदिवासी और ओबीसी बहुल है, झारखंड से जुड़ा है। तो झारखंड के बीजेपी के 3 पूर्व CM बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भी बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों में थे। तो उधर ममता बनर्जी को इस इलाके में इस बात से राहत मिली थी कि चुनाव लड़ने के ऐलान से जेएमएम पीछे हट गई और आखिरी वक्त में टीएमसी का समर्थन कर दिया। सालतोरा से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि ममता बनर्जी को जंगल महल के इस इलाके में अपनी सियासी जमीन वापस लेनी है, जो ममता बनर्जी 2016 के बाद बीजेपी के हाथ गंवा चुकी है। ममता बनर्जी ने पूरा जोर जरूर लगाया, लेकिन बीजेपी ने भी अपने इस नए किले में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे इस इलाके में प्रचार के लिए नहीं लगाया गया। पीएम की भी कई रैलियां हुई, गृहमंत्री आखिरी दिन तक प्रचार करते रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी इलाके में आज प्रचार के लिए उतारे गए। 10 वर्षों में
ममता दीदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बहनों भाइयों, न तो यहां पर मां सुरक्षित है, न मानव सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। अजीबोगरीब हालात यहां पर पैदा हो गए। सर्वत्र के हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। जो बंगाल की धरती एक सांस्कृतिक धरती मानी जाती थी, आध्यात्मिक धरती मानी जाती थी और सांस्कृतिक संदेश पूरे भारत को इस धरती से जाया करता था, आज उस धरती की हालत तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कैसी बना दी है मुझे बेहतर आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को ये बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। पहले चरण में बंगाल की जनता जिन उम्मीदवारों को चुनेगी उनका बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में हर चौथे उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 30 सीटों में 10 ऐसी हैं जहां के 5-5 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 191 उम्मीदवारों में 48 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसे गंभीर मामले दर्ज हैं जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। 19 उम्मीदवार ऐसे जो करोड़पति हैं और 4 ऐसे भी हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। आमतौर पर कहा यही जाता है कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यह सच भी है कि करोड़पति उम्मीदवारों के बीच इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई गरीब चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बंगाल में मनरेगा मजदूर या फिर घरों में काम करने वाली महिला भी चुनाव लड़ रही है। ऐसी एक महिला को बीजेपी ने बांकुरा से कैंडिडेट बनाया जो सालतोरा सीट से चुनाव लड़ रही है। इनका नाम चंदना बाउरी है, जिनके पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खुद चंदना भी मजदूरी करते हैं। आज चंदना के समर्थन में रोड शो करने मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे जो 2 हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती पहली बार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे और पहले ही रोड शो में उन्हें देखने के लिए बांकुरा में काफी भीड़ जुटी। हमारे साथ है मिथुन चक्रवर्ती, बांकुरा के सालतोरा में कैंपेनिंग कर रहे हैं। दादा मिथुन दा, आपने बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होता है, वो डिफरेंस और ये डिफरेंस कैसा है? That they come for enjoyment, now they have come for a decision. This crowd, such massive crowd, I want them that if you love me, please sir, आप ये बोल रहा होंगे बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो? बहुत बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत। I said, yes, I am confident. I am confident, but. बहुत खुश है, मानुष भी खुश है, यहाँ पर जनगण भी खुश है, मेरा भी बहुत खुश लग रहा है। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरे इलाके में आया है, यहाँ पर बड़ा खुश नहीं मिलता। दादा बीजेपी के चांसेस को लेकर, बीजेपी के चांसेस को लेकर, डेफिनेट डेफिनेट चांस। सो आप कंटेस्ट कर रहे हो? भैया हो गया, हो गया। आप कंटेस्ट करोगे? विल यू कंटेस्ट? विल यू कंटेस्ट? नो आई वोंट। यहां आपको खबर की पूरी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आपको बताते हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा मायने क्यों रखता है। अगर बीजेपी अपने मिशन में सफल होती है तो यह 2017 में उत्तर प्रदेश की जीत के बाद बीजेपी के लिए राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ी कामयाबी होगी। असर इसका यह होगा कि विपक्ष के उत्साह पर ठंडा पानी पड़ जाएगा और इसका संदेश यह होगा कि बीजेपी हिंदी पट्टी के बाहर भी मजबूत पार्टी है और मुश्किल सियासी पिच पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर ममता बनर्जी सफल हुई तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। केंद्रीय शक्ति के संदर्भ में देखें तो जीतने पर टीएमसी थर्ड फ्रंट में नई जान फूंक सकती है, लेकिन अगर ममता बनर्जी हार गई तो उनकी पार्टी टीएमसी टूट सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की जीत भारत को एक पार्टी के प्रभुत्व वाला देश बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कूटनीतिक दांव
जिसमें घरेलू राजनीति के समीकरण छिपे। बंगाल में पहले चरण के मतदान के समय प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा 26 और 27 मार्च को है, जिसमें वो मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली जाएंगे। यानी 27 मार्च को जब बंगाल में पहले चरण के वोट पड़ रहे होंगे, प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय से सीधा जुड़ाव बना चुके होंगे। बंगाल में मतुआ समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और 70 विधानसभा सीटों पर असर रखता है। पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण का मतदान हो रहा होगा, तब कोरोना काल के बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर होंगे, वो भी बंगाल से सटे बांग्लादेश में। कोरोना काल के कारण 497 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल मना रहा है और आपको बता दें कि इस सेलिब्रेशन के मौके पर नरेंद्र मोदी यहां के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई है। 26-27 मार्च को प्रधानमंत्री का ये बांग्लादेश का दौरा है। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा तीन बड़ी वजहों से फोकस में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां साल है। पीएम मोदी के इस दौरे की बांग्लादेश में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव में हो रही है, जिसके पीछे एक खास वजह भी है। बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के मंदिर जाएंगे। इसके अलावा वो सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। इसके अलावा पीएम मोदी कुसतिया में रविंद्र कुटी बारी भी जा सकते हैं। दरअसल ये तमाम जगह और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है। यानी पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा कूटनीतिक महत्व से ज्यादा राजनीतिक महत्व का लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन इसी ओराकांडी स्थित ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है, यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद ठाकुर की प्रतिमा है, वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। 3 करोड़ की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है और तकरीबन इतनी ही आबादी इस बांग्लादेश की धरती पर रहती है। यकीनन मतुआ समुदाय को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2021 में ये समुदाय क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या फिर टीएमसी के पक्ष में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समुदाय को लुभाने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश में होंगे, वहाँ वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी वो मंच शेयर करेंगे, लेकिन उनके इस दौरे की हाईलाइट होगा ओराकांडी मंदिर। यह मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का मंदिर है, जिन्हें बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग भगवान का अवतार मानते हैं। दरअसल मतुआ लोग मूल रूप से बांग्लादेश के ही रहने वाले माने जाते हैं, जो विभाजन के बाद धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 के शुरुआत में बंगाल आ गए थे। बंगाल में उनकी आबादी करीब 2 करोड़ बताई जाती है। बंगाल की जनसंख्या में इनकी भागीदारी 17% के आसपास है। 7 लोकसभा सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक माने जाते हैं। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 70 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय का दखल है। जाहिर है बंगाल के चुनाव के वक्त पीएम मोदी का बांग्लादेश जाना और वहां ओराकांडी मंदिर में दर्शन करना राजनीतिक मायने तो इसके निकाले ही जाएंगे, और वो वहां मतुआ समुदाय से संवाद भी करने वाले हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज के ठाकुरबाड़ी में इस वक्त है मतुआ समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, इनसे बातचीत करते हैं। खुश है मोदी जी के आने से? हाँ, हमरा खूब खुशी, भारत प्रधानमंत्री आज से इखाने हमरा इतने खूब आनंदित हो। आनंद है आपको भी? आनंद है तो आनंद है। और क्या चाहती है? देखिए महिलाएं हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, मुस्कुराकर भी बहुत सारी बातों को कहती हुई। प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं दर्शन करने के लिए हरिचंद ठाकुर जी के। कैसा लग रहा है, इस पूरे इलाके में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आएगा जो यहां पर पूजा अर्चना करेगा?
আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে প্রথম মানে বাইরের কোন রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বাংলাদেশে আসতেছে এবং তিনি আমাদের হরিষাদ মন্দিরে পূজা করবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আনন্দে খুশি আপ লোগোঁ কো ভি? অবশ্যই খুশি, যেহেতু সম্মানে দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের দেশে আসতেছে এবং আমাদের হরিষাদ মন্দিরে পূজা দেবেন, আমরা খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। वैसे अगर राजनीतिक एंगल को छोड़ दें तो पीएम मोदी का ये बांग्लादेश दौरा और कई मायनों में खास है। पहली बार ऐसा होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर जाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान साहब की जन्म शताब्दी का ये वर्ष है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुंगीपाड़ा में भी एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें प्रथम राष्ट्रपति बांग्लादेश के जिनका ये घर है, यहाँ पर उनकी तमाम यादों को संजो कर रखा गया है और यहाँ पर भी पीएम मोदी आएंगे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनकी यादों को देखने के लिए। ये दूसरा हिस्सा आपको बता दें अंदर मजार है, जबकि बाहर जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा के भी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बांग्लादेश आर्मी के तमाम जवान यहाँ पर लगातार नजर रखे हुए हैं, चप्पे चप्पे की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। अपने दौरे पर पीएम मोदी बांग्लादेश में करीब 36 घंटे रहेंगे और दो दिनों में कुल मिलाकर 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेश में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जितनी जल्दी पीएम मोदी को शायद बांग्लादेश जाने की होगी, उतनी ही बेसब्री बांग्लादेश को उनके आने की है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान साहब की जन्मस्थली पर हम आ चुके हैं, यहीं पर उनकी मजार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को यहां पर आएंगे और उनके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई हैं। यकीनन प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, दो दिनों का ये काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा। इसके पहले मोदी 9 मार्च को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु पुल का उनकी ओर से उद्घाटन किया गया था और उसके बाद ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बांग्लादेश में किया जा रहा है बेसब्री से इंतजार। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के कूटनीतिक संदेश बहुत गहरे हैं। दौरा 3 वजहों से फोकस में। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। और तीसरा, भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का भी ये 50वां वर्ष है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत हुए। कोरोना काल में भारत की वैक्सीन मैत्री के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज बांग्लादेश को मिली। बांग्लादेश को मिले 90 लाख वैक्सीन डोज में 20 लाख डोज ग्रांट के तौर पर। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे में वहां की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच 55 साल बाद रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई थी। यह रेल लिंक 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टूटा था, जो 2020 के अंत में जुड़ गया। दिसंबर 2020 में शेख हसीना के साथ वर्चुअल समिट में ही पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे की घोषणा भी कर दी थी। वैसे पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा एक और मायने में अहम है और वो ये है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी 497 दिन के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे। इसके पहले नवंबर 2019 में पीएम ब्राजील के दौरे पर गए थे। 15 जून 2014 से नवंबर 2019 के बीच पीएम मोदी ने कुल 1979 दिन में 96 देशों के दौरे किए। पीएम मोदी ने 2014 में 8 देश, 2015 में 23 देश, 2016 में 17 देश, 2017 में 17 देश, 2018 में 20 देश और 2019 में 14 देशों का दौरा किया। 2020 ऐसा साल रहा जब पीएम मोदी किसी विदेश दौरे पर नहीं गए। इस दौरान उन्होंने कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ और कुछ अहम बहुपक्षीय सम्मेलनों में वर्चुअल हिस्सा जरूर लिया। होली के रंग गुलाल पर कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ती नजर आ रही है। होली पर होने वाली खरीदारी राज्यों के प्रतिबंधों और लोकल लॉकडाउन के सामने फीकी पड़ गई है। इससे इकोनॉमी में जारी रिकवरी की रफ्तार के भी सुस्त होने की आशंका तेज हो गई है।
आर्थिक रिकवरी के बीच धूमधाम से होली मनाने की तैयारी फीकी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार के पास लॉकडाउन लगाने का विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में इकोनॉमी की चाल को बनाए रखने और कोरोना से बचाव के लिए राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो होली समेत तमाम त्योहारों को मनाने के लिए लोगों को अपने हिसाब से छूट दें। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और दूसरी लहर के पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होने की आशंका के चलते ये सावधानी बरती जा रही है। संकट फिर से दिख रहा है कोरोना का। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बैठक करी हर मुख्यमंत्री जी के साथ, रोज निगरानी कर रही है। धीमे धीमे कुछ केसेस सामने भी आ रहे हैं। लॉकडाउन का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन सभी को सतर्कता रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए और 2 गज की दूरी का भी जो पालन है उसको करना चाहिए। इन निर्देशों पर अमल करते हुए अलग अलग राज्यों ने होली, शबे बारात और नवरात्रि को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी गई। यूपी में जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। बीएमसी ने मुंबई में सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सार्वजनिक रूप से होली ना मनाएं। गुजरात में भी समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है और सीमित संख्या में होली जलाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी होली से जुड़े समारोह और मेलों पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है अगर इस तरह से प्रतिबंधों का सिलसिला बढ़ता गया तो फिर इकोनॉमी के दौड़ने की रफ्तार का सुस्त पड़ना तय है। कारोबार जगत भी इस बार होली पर बिजनेस के सुस्त पड़ने से परेशान है। 10 दिन पहले तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन इस दौरान जब से लॉकडाउन की खबरें आने लगी, अखबार आने लगी, उस दौरान जो हमारे नीचे के व्यापारी हैं उन लोगों ने लगातार कम कर दिया। जो कस्टमर 50,000 का माल लेता वो 40 का ही ले जा रहा है। डर के खरीद रहे हैं लोग, लॉकडाउन रूमर उड़ रही है थोड़ी सी, लॉकडाउन भी लग सकता है और इस टाइप से, तो लोग डर डर के खरीद रहे हैं सामान। पहले से तो हल्का है, तो इस बार उतना ही सामान खरीद रहे हैं जितना पहले से कम है। फरवरी में दूसरी लहर के आने से पहले इकोनॉमी में तेजी के साफ संकेत नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर मुंबई के मॉल्स की बात करें तो वहां पर बिक्री का रिकवरी रेट बढ़कर 85 से 90% तक पहुंच गया था। RAI के एक सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री फरवरी में 15% और रेस्टोरेंट की बिक्री 18% बढ़ी थी, लेकिन अब मॉल्स में रैंडम टेस्टिंग शुरू होने से लोगों की आवाजाही घटने की आशंका बढ़ गई है। ये चिंता केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन इलाकों में हाल में कोरोना के मामले बढ़े हैं वहां पर भी होली पर कारोबार बढ़ना तो दूर, बल्कि फरवरी की रफ्तार भी घटने का डर बढ़ गया है। जेपी के 20,000 घर खरीदारों के लिए गृह प्रवेश का इंतजार और लंबा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और सुरक्षा रियल्टी को फिर से बोली जमा करने के निर्देश दिए। इनके प्लान पर COC दोबारा विचार करेगी और इसके बाद ही बचा हुआ काम पूरा करने की जिम्मेदारी किसी एक कंपनी को सौंपी जाएगी। जेपी इन्फोटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 20,000 होम बायर्स को निराशा हाथ लगी है। इस फैसले के मुताबिक फ्लैट बायर्स को गृह प्रवेश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट ने इस मामले को वापस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास भेज दिया है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को 45 दिन का वक्त दिया गया है, जिससे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP को पूरा किया जा सके। एक दोबारा से मैं कहूं 45 डेज IRP को टाइम दिया गया है कि ये 45 डेज में क्रिप प्रोसेस कंक्लूड करें। सुरक्षा और NBCC जो है दोबारा से अपने रेजोल्यूशन प्लान्स पुट अप करें। एक तरीके से मैं कहूंगा कि जो क्रिप प्रोसेस का एक रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हुआ है वो उसको एक तरीके से साइड रखा गया और दोबारा से एक मौका दिया गया सुरक्षा रियल्टी को और NBCC को अपने प्लान्स सबमिट करें। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और सुरक्षा रियलिटी को रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनी की तरफ से जमा किए गए 750 करोड़ रुपए रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा नहीं होंगे और NBCC इस रकम का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकती। 6 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के पास लंबित सभी मामले अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। ये याचिका NBCC की उस योजना के खिलाफ थी जिसके तहत वो कर्ज में डूबी JP इंफ्राटेक की 20,000 पेंडिंग फ्लैट्स खरीदना चाहती थी। 18 दिसंबर 2019 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने NBCC को बोली का विजेता चुना था।
एनबीसीसी के पक्ष में 97.36% वोट थे। ऐसे में अब इस फैसले के बाद तुरंत काम शुरू होने की जो आस घर खरीदारों में जागी थी, उसके पूरा होने में थोड़ा और इंतजार करना होगा। घर खरीदारों को जो उम्मीद थी इस फैसले बाद काम शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 750 करोड़ रुपए जो डिपॉजिटेड थे, जो एनबीसीसी द्वारा कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाने थे, वो भी अब उसको यूज नहीं किए जा पाएंगे, वो वापस किया जाएगा। एनबीसीसी और सुरक्षा को ही एलिजिबल माना गया है। 45 डेज का टाइम फिर से दिया गया है ताकि फ्रेश बिडिंग एनबीसीसी और सुरक्षा द्वारा मंगाई जा सके और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा किया जा सके। घर खरीदारों के गृह प्रवेश के इंतजार के मामले देश में लाखों की संख्या में है। जेपी और आम्रपाली जैसे ग्रुप में जहां इनकी तादाद ज्यादा है, वहीं छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स में घर खरीदार बरसों से कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। ऐसे ही फरीदाबाद के पीडीएम प्रोजेक्ट के होम बायर्स हैं, जो सारी रकम चुकाने के बावजूद कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अपने आशियाने को पाने का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने फ्लैटों का 90% पैसा दे चुके हैं। बिल्डर ने करीब 150 करोड़ रूपए होम बायर से कलेक्ट किया और 90 करोड़ रूपए बैंकों से लोन लिए और 200 करोड़ पे अपना 6 शेल कंपनियों में डाइवर्ट कर गया और हार्डली 30 से 35 करोड़ प्रोजेक्ट पे लगाया और प्रोजेक्ट को धकेल दिया लिक्विडेशन की तरफ। आज एनसीएलटी में केस चल रहा है। हम लोगों ने 10 साल हो गया पैसा दिए हुए, लेकिन हमें ना ही तो घर मिला ना ही हमारा पैसा वापस मिला और बिल्डर हमें पूरी तरह से ठग के ले गया। हमने पूरी इनकी इन्वेस्टिगेशन की है, इनकी बैलेंस शीट्स की स्टडी की है। इन्होंने सारा पैसा अपनी 6 शेल कंपनियों के अंदर डाइवर्ट किया है। सभी होम बायर्स ने अपना पैसा दे के इनको 2.5 साल में फ्लैट लेने के लिए सोचा था, लेकिन आज इस बात को 10 साल से भी ऊपर गुजर चुके हैं। फ्लैट के नाम पे वहां सिर्फ बिल्डिंगों का ढांचा खड़ा हुआ है। हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि भी हमारे को हमारा जो घर था वो दिलवाया जाए। अब 10 साल होने के बाद वो बिल्डिंग जो है एक तरह से ढांचा, मतलब गिरने वाला ढांचा हो चुका है। वो इन घर खरीदारों की परेशानियों को देखते हुए कोर्ट से जिस तरह जल्द इंसाफ की उम्मीद लोगों को थी, वो जेपी के मामले में निराशा में तब्दील हो गई। हालांकि उम्मीद है कि अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगले 45 दिनों में इसका फैसला होगा, जो जेपी के साथ साथ देश के दूसरे होम बायर्स के लिए भी गृह प्रवेश का रास्ता आसान बनाएगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।